हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा PSST के फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप PSST के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, PSSST के और PSAT के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये प्री शिक्षा शास्त्रीय टेस्ट है, उसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए जो जगत गुरु रामानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। यहाँ से आप इसका इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोस्पेक्टस भी आपको मिल जाता है। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन PSST और PSSST और PSAT 2023 पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम यह न्यू पेज पे लेकर जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कुछ जानकारी मिल जाती है। जैसे आपका फॉर्म है 21 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, आपके आवेदन की अंतिम दिनांक आप देख सकते हैं 21 सितंबर रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर सामान्य निर्देश भी मिल जाता है, आपको हेल्पलाइन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, इनका ईमेल भी दिया हुआ है। और यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए क्लिक हेयर टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना होगा। तो चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की सारी जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सर्वप्रथम अपनी SSO ID से लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर अपनी SSO ID पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन होना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, अपने यहाँ पर SSO ID के माध्यम से लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको सिटीजन ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पर हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन का टैब है STE का, इस पर आपको क्लिक करना है। ये अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप क्विक सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर अदर ऐप में जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अपने को इस पर क्लिक करना होगा। अपन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, जिससे किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन सेंड करना है, सिलेक्ट करना होगा आपको। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जगत गुरु रामानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना है। आप जैसे कि PSST का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या PSST का या PSAT का, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो इन तीनों का सेम प्रोसेस है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए कंटिन्यू क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तीनों का फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस सेम रहता है, ओनली फॉर इनकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें कुछ अंतर है, तो आपको क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख रखना है, आपको सेलेक्ट करना है कि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो येस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आउट ऑफ स्टेट का है तो नो कर सकता है, वरना आपको येस करना है। और यहाँ पर अपना जन आधार नंबर है वो दर्ज करना होगा। जैसे दर्ज करने के बाद में आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फैमिली के जितने भी मेंबर है वो शो हो जाते हैं, इनमें से आप जिसका भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपके मेंबर का जो मोबाइल नंबर है जो जन आधार में जुड़े हुए हैं उस पर OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना होगा, आपको सबमिट कर देना, ओके करना है। उसके बाद में आपको OTP यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट का सारा डाटा जो जन आधार से मैच होकर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर अपना नाम है, जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम दर्ज करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दर्ज करना है, DU भी यहाँ पर आ जाता है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता सेलेक्ट करना है, इंडियन है तो येस करना है, राजस्थान के मूल निवासी यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट आ जाता है, वरना आप जिस राज्य के हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ये तो मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई किया है वैसे ही आ जाता है। और आपका जिला सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जिले से हैं, फिर आपकी कैटेगरी वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर काफ़ी सारा डाटा है जो जन आधार से आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में अपने को सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको DOB वगैरह में किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर जो कैलेंडर का टैब दिया इससे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। अपने को सबमिट करना है और आई कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको OTP भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ पे है जो दर्ज करना है। अपने यहाँ पे OTP वेरीफाई कर दिया है, अपना नाम आ जाता है पर्सनल डिटेल के अंदर। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है, योग्यता दर्ज करनी होगी, आपका एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में बैंक डिटेल सेलेक्ट करना होगा, और आपको सब्जेक्टों का विवरण चेंज सर्च करना है। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद में फॉर्म को प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करने के बाद में किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं पहले करेक्शन कर दें, वरना आपको फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पर आवेदक का नाम, आपका हिंदी में नाम दर्ज करना है, ईमेल, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारा आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दर्ज करना होगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, उसके बाद में आपके लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। आपको पहचान के लिए ID प्रूफ है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर उसका नंबर भी है जो दर्ज करना है। उसके बाद में आपका नॉमिनी का नाम दर्ज करना है और नॉमिनी से आपका किस तरह का रिलेशन है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर कोई PS कैंडिडेट है यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको सेलेक्ट करना है किस कैटेगरी के अंतर्गत है। उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। जो यहाँ पर रेड स्टार दिए हुए हैं उन सारों को आपको फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ पर अपने नॉमिनी अपना एड्रेस वगैरह सारा दर्ज कर दिया गया है, जो कि आपका जो आधार का नंबर वगैरह। उसके बाद में अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करना है वैवाहिक स्थिति मेरिड है या अनमेरिड है। उसके बाद में आप पैरा सैन्य कर्मी रहे हुए हैं तो ये करना है, अन्यथा आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। रक्षा कर्मी रहे हुए हैं तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वरना आप नॉट एप्लीकेबल करके
रख सकते हैं। उसके बाद में आपका धर्म सेलेक्ट करना है, आपका धर्म कौन सा है। अगर आप ट्राइबल एरिया में आते हैं यस करना, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं यस करना, अन्यथा आपको नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आई कंफर्म पे क्लिक करना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डाटा यहाँ पर दर्ज करना होगा, आपका 10th का डाटा, फिर आपका 12th का जो कि अगर संस्कृत से है तो वरिष्ठ उपाध्याय और 12th के समकक्ष है। उसके बाद में स्नातक की डिटेल यहाँ पर दर्ज करनी है। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का डाटा यहाँ पे आपको दर्ज करना है, और अगर और नहीं है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर नहीं आपकी पास में क्वालिफिकेशन है तो। जैसा कि देख पा रहे हैं आपने जैसे 10th है तो कहाँ से किए हैं उस आपको संस्था को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने राजस्थान से किया है या अन्य जगह से किया है तो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से बोर्ड से किया है, आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपने कब पास किया है वो सेलेक्ट करना है। अपना रोल नंबर यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है और अपने को फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपका मार्क्स में है या ग्रेडिंग में वो सेलेक्ट करना है। अगर मार्क्स में तो मार्क्स पर, फिर आपका टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पे दर्ज करना होगा, और परसेंटेज है जो यहाँ पर के यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी तरह आपको 12th का भी डाटा दर्ज करना है। 12th के अंतर्गत आपको यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, जिसके अंतर्गत आपने 12th लेवल का कोर्स है वो किसके अंतर्गत किया है। जैसे वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत में है या प्राकशास्त्री है या उच्च माध्यमिक है या उस उत्तर माध्यमिक है, जो भी आपका है उसमें से सेलेक्ट कर देना है। इनमें से नहीं है तो आप उपयुक्त के समकक्ष भी कर सकते हैं। उसके बाद में अपने को स्टडी सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्टेट से स्टडी की है। यहाँ पर स्टडी सेलेक्ट करने के बाद में आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से बोर्ड से किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में से सेलेक्ट करना है आपका कौन सा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, अपना रोल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर मार्क्स में है या ग्रेडिंग में वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने जो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद में आपको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसी तरह आपका जो स्नातक योग्यता है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है वो कंप्लीट है, तो आप रिजल्ट डिक्लेयर पर क्लिक करके सारा डाटा फिलअप करना होगा, जिसके अंदर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी और फिर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कब पास किया है और मार्क्स वगैरह ये सारी जानकारी फिलअप करनी है। अगर आपका ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, अगर पेंडिंग है रिजल्ट, तो प्रत्याशी पर क्लिक कर सकते हैं, प्रतीक्षा वाले, और उसके बाद में आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम है जो दर्ज करना जरूरी है। उसके बाद में अगर आपका स्नातक विषय के अंतर्गत और फाइनल ईयर का डाटा है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो फिर हमने को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपको पता दर्ज करना है, एड्रेस की डिटेल दर्ज करनी है। अगर रिजल्ट आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप रिजल्ट भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्नातक में सब्जेक्ट हैं जिनका 3 सब्जेक्टों में से आपको एक संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद में आपका हिंदी या इकोनॉमिक्स दो में से एक सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद में आपको ज्योग्राफी या जैसे अन्य सब्जेक्ट एक ले सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स दर्ज करना है और आपको फाइनल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और आपको यहाँ पर कितने प्राप्त हुए हैं यहाँ पर मार्क्स या ग्रेडिंग में वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड एग्री करना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दर्ज करना है, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस और फिर आप पत्रासार का व्यवहार भी दर्ज कर सकते हैं। अगर सेम है तो सेम पे आपको टिक करना है। यहाँ पर आपको अपना 3 लाइन में आप अपना एड्रेस दे दें। उसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना गाँव सेलेक्ट करना है और पिन कोड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू एंड आई कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आगे बढ़ जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको अपना बैंक की डिटेल दर्ज करनी है, जिसमें खाता धारक का नाम, उसके बाद में खाता संख्या, बैंक का नाम और आपकी शाखा कौन सी, ब्रांच का नाम दर्ज करना है, आईएफएससी कोड दर्ज करना है, और बैंक से आपका कौन सा मोबाइल नंबर है वो जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में आपको मैसेज भेजा जाएगा ओटीपी, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको वेरीफाई भी करना होगा। जैसे अपने बैंक डिटेल को कंप्लीट कर दिया, अपना परीक्षा सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट का चयन करना है, परीक्षा सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। आप 3 परीक्षा सेंटर है जो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है और यहाँ पर आपको अभ्यास शिक्षण विषय यानी कि प्रैक्टिस सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आप अपना सब्जेक्ट है 3 चयन कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। 100 KB से 150 KB के मध्य आपका फोटो होना चाहिए। PDF या JPG आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका मूल निवास सर्टिफिकेट, उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पर फॉर्म को प्रीव्यू करना है। आपका फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू करने के बाद में अगर किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं, वरना आप फाइनल सबमिट कर दें। अपनी जो फीस है उसको डिडक्ट करवाने के बाद में फाइनल सबमिट करना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।